गुड इवनिंग हिमाचल। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में सावन माह के दूसरे सोमवार को मंदिर के द्वार न खुलने पर शिव भक्तों के हाथ मायूसी लगी। हर बार सुबह 3 बजे मंदिर खुलने से पहले ही भोलेनाथ के भक्त मंदिर में पहुंच जाते थे। इससे पहले पूरा दिन शिव मंदिर भोलेनाथ की जय जयकार से गूंजा रहता था। मंदिर सुबह 4 बजे खोल दिया गया, पर यहां मात्र 3 पुजारियों के अतिरिक्त कोई नहीं पहुंच पाया। हालांकि मंदिर के प्रांगण में हर सोमवार को हवन किया जा रहा है। वहीं कुछ एक भक्तों ने तो मंदिर के गेट पर ही फूल रखकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। श्रावण मास का दूसरा सोमवार था, सुबह आरती लाइव की गई, दोपहर को भी आरती लाइव की गई, हवन जैसे सोमवार को यथावत किया गया। इसमें पुजारियों ने और मंदिर के कर्मचारियों ने ही भाग लिया, बाहर का कोई श्रद्धालु नहीं आया। काफ़ी सुनसान लग रहा था मंदिर। जब कर्क राशि में सूर्य आता है, कर्क राशि जल तत्व मानी गई है, तो उसमें बरसात होती है। सूर्य आता है तो सूर्य की किरणें जो थोड़ा ये हो जाती है कि बादलों की तरह से, तो बादल उसमें वर्षा करते हैं। फिर तो सूर्य जो है कर्क राशि में आने के बाद उसको कहते हैं श्रावण मास। तो इससे बहुत सी कथाएँ भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो इस मास में भगवती पार्वती ने बहुत तपस्या की थी श्रावण और भादु मास में। इससे आगे एक हरिताल का व्रत आता है श्रावण के बाद। तो इन 2 मासों में पार्वती ने पत्ते बेल पत्ते आदि खाकर भगवत शिव की आराधना की थी। उन्होंने बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उन्होंने नाना प्रकार के पत्र पुष्पों से पूजा की थी, क्योंकि जंगल में पार्वती कुछ मिलता तो उन्होंने था नहीं वहाँ पर, तो उससे पत्र बेल पत्तों से पूजा करके उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनका आधा अंग पाया था, अर्धांगनी उनकी वास्तविक उनकी अर्धांगनी बनी थी। ऊना जिला में उद्यान विभाग की ओर से बागवानों को 10,000 पौधे उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्नत किस्मों के पौधे 5 बागवानी विकास खंडों में भेज दिए गए हैं। इनमें आम, नींबू, लीची, गलगल, संतरा, माल्टा समेत अन्य किस्म के पौधे दिए गए हैं। विभाग ने बताया कि बागवान बागीचा भी लगा सकते हैं। बागीचा लगाने वालों के लिए सरकार द्वारा विशेष सब्सिडी दी जा रही है। कोई भी बागवान रियायती दरों पर पौधे लेने के लिए कार्यालयों में आ सकता है। मैं के भारद्वाज, विशेषज्ञ बागवानी, ऊना जिला ऊना। मैं अपने विभाग की तरफ से सभी बागवान भाइयों को, किसान भाइयों को सूचित करना चाहता हूं कि आजकल जो है बरसात के पौधे लगाने का काफ़ी उपयुक्त जो समय जो चल रहा है, वातावरण में अच्छी नमी है, बारिश भी अच्छी हो चुकी है। तो हमारे जो विभिन्न विकास खंड जो हैं जिला ऊना में, लगभग 5 जो हमारे विकास खंड हैं उसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं फलदार पौधे जो हम सप्लाई कर चुके हैं, जो कि विभिन्न विकास खंडों में अवेलेबल हैं। अलग अलग प्रजातियों में जैसे आम, नींबू, किन्नू, संतरा, मौसमी, गलगल, पपीता, अमरूद और लीची इत्यादि जो पौधे जो हैं विभिन्न जो आजकल जो है काफ़ी तरह के पौधे जो है यहाँ पे लगते हैं, तो वो पौधे हमारे विकास खंडों में उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर जिला कुल्लू के भूंतर में चहल पहल तेज हो गई है। दुकानदारों ने कई प्रकार की राखियां यहां पर बहनों के लिए उपलब्ध करवाई है। कोरोना काल के बीच इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी हालात सामान्य नहीं होंगे। इसी को देखते हुए दुकानदारों ने विशेष तैयारियां कर रखी है। दुकानदारों ने दुकानों में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है, तो कई लोग दुकानों के बाहर भी राखियों को सजा रहे हैं। सिरमौर जिला प्रशासन की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शुरू की गई मेड इन सिरमौर मुहिम रंग ला रही है। इसी कड़ी में एक उत्पाद प्रदर्शनी DRDA कार्यालय के समीप लगाई गई। इसका उद्घाटन उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर RK परूथी ने किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों से उत्पाद की कीमत आम लोगों की पहुँच में रखने का आह्वान किया। प्रदर्शनी में राखी, बांस के उत्पाद, घरेलू अचार, सजावट का सामान, मोबाइल स्टैंड, कपड़े और मास्क सजाए गए थे। आप बताएं जो मेड इन सिरमौर का स्टॉल आप यहाँ पे लगाए हैं, इसको लेके किस किस के उत्पाद यहाँ पे रखे हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे बनाई गई है और क्या आपका उद्देश्य है? सर, मैं विकास खंड में LSU के पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ पे हमें प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि जो भी हमारे समूह प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं सेल के लिए, तो उनकी यहाँ पे एक रक्षाबंधन से पहले 5-6 दिन के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है। तो हमने अपने सभी महिला मंडलों को राखी बनाने के लिए कहा कि आप लोग राखी बनाओ और आपकी राखी जो है वहाँ पे स्टॉल में रखेंगे, बिकेगी भी और आपको उससे आर्थिक मदद भी मिलेगी। तो हमारे समूहों ने राखी बनाने का काम किया, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है कि लॉकडाउन चलते हुए बाजार भी बंद था, तो जो सामान घर में उपलब्ध था लोकल उससे ही उन्होंने राखियाँ बनाई और थोड़े बहुत मोती वगैरह उन्होंने बाजार से लिए। तो
तो इसमें जो राखियाँ बनी है वो सारी घरेलू प्रोडक्ट पे ही बनाई गई है। इसमें राखी की कॉस्ट क्या रखी गई है? इसमें राखी की कॉस्ट 10 से 30 रुपीज तक है। इसमें डोरियाँ भी हैं और राखियाँ भी हैं। और फिर इसमें कुछ हमने थोड़ा सा ये कोशिश की कि जो हमारी राखी है उसके ऊपर हमने फ्लावर के बीज या सरसों के बीज लगाए हैं, ताकि अगर राखी को आप खोल के फेंकेंगे भी तो उससे पौधे तैयार होंगे हमारे। मंडी जिला के गागल के पास फोर लेन निर्माण में लगी कंपनी के मजदूरों ने सोमवार को सीटों के बैनर तले बहना स्थित रेस्ट एरिया यार्ड में प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें परिवार पालना मुश्किल हो चुका है। यही नहीं, कुछ मजदूरों को तो फरवरी महीने से ही वेतन नहीं मिल पा रहा, वे भूखमरी की कगार पर हैं। यूनियन के प्रधान राकेश कुमार ने बताया कि मजदूरों में वेतन ना मिलने से रोष है। यूनियन की मांग है कि समस्त मजदूरों को पिछला वेतन जल्द दिया जाए, साथ ही ईपीएफ नंबर और स्टेटमेंट भी जारी की जाए। उधर जब काम और सैलरी के मामले देखने वाली दोनों कंपनियों के मैनेजर से बात की गई, तो उनकी अलग अलग राय थी। मैं राकेश के एमसी प्रधान सीटू यूनियन से, मैं कंपनी को ये आगाज करना चाहता हूं कि जो हमने जो कंपनी को जो डिमांडे दी थी उन पे कोई भी सुनवाई कंपनी नहीं कर रही है। अब कंपनी अपना रवैया एक ही बना के रखी है कि हम 1 महीने की सैलरी देंगे, बाकी मान जो सैलरी है वो पेंडिंग रखेंगे। वो कहाँ का कानून है? आज तक कानून में ऐसा कोई लिखा ही नहीं गया प्रपोजल की 1 महीने की सैलरी देंगे, बाकी मान जो वर्कर है वो चुपचाप बैठा रहे। तो हम कंपनी को, हमने आसन प्रशासन को सबको आगाज किया है कि आप हमारी जो एक कंपनी है इसका रवैया ठीक करें और वर्करों को हर महीने सैलरी दी जाए, ताकि कंपनी अपने मनमानी पे ना आए। कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और कभी वर्कर को धमकाती भी है।